हम लोग बात कर रहे थे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की ना, कॉनकेव मिरर की मिरर फार्मूले की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर मिरर। की बात कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा तेज करते हैं। कॉन्वेक्स फार्मूला, कॉन्वे मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर लिखो। मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। देखो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और फोकस एफ कैपिटल एफ, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके अब देखो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख, इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। यस सर। और अगर इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज बनती है फोकस और पोल के बीच। दो ही केस तो है इसमें, यस सर। ठीक है, तो पहला केस देख लेते हैं। पहला केस कि जब मिरर जब जब ना जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और पोल के बीच में, एक ही केस है। ये देखो रख लिया, एक मुस्कान कहाँ गायब हो गई बेटा? सर तब तो ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। कल कहाँ गायब हो गई मुस्कान? सर तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है चलो, तो हमने रखा इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ? हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और सॉरी इंफिनिटी और पोल के बीच में, कहीं पे भी रख लिया मैं तो। इसका जो इमेज बनता है ये आप जानते ही हो कैसा इमेज बनता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, चूंकि हम लोग मिरर फार्मूला लिख रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है चलो रे डायग्राम बनाते हैं मेरे बच्चों। मेरे सारे बच्चे रे डायग्राम आप बनाना सीख गए। और रे डायग्राम देखो बनाते ही मैं सारे आईआईटी के प्रॉब्लम आपको दिखा दूंगा, जो भी प्रॉब्लम पूछे गए। हालांकि मिरर से बहुत कम प्रॉब्लम पूछे गए हैं, लेकिन जो भी पूछे गए हैं वो सारे बन जाएंगे आपसे। लेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बन जाएंगे आपसे, अगर ये रे डायग्राम आपको बनाने आता है तो। रे डायग्राम इज इम्पोर्टेंट और इससे कम से कम दो क्वेश्चन आता है, आप कोई भी पेपर उठा के देखो। ठीक है तो थोड़ा ध्यान से, बहुत 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 टफ नहीं पूछता है रे डायग्राम, आएगा तो बहुत आराम से हो जाएगा आपसे। कुछ कुछ दो चार पॉइंट्स है, वो दो चार पॉइंट्स आपको याद आने चाहिए बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा था रे डायग्राम के लिए क्या क्या कहा था, कि एक पैरेलल खींचो जो फोकस से जाएगी, दूसरा एक पोल से गिरा दो और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हो सके तो। यही तो? यस सर। ठीक है तो देखो पहला तो हम लोग फोकस पैरेलल डाल देते हैं इस पे। तो पैरेलल लाइन अगर हम डालते हैं इस पे, पैरेलल रेज डालते हैं, ये देखो ये हो गई पैरेलल, कहां से जाएगी इसके फोकस से, मतलब ये तो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो रिफ्लेक्ट होके अगर आप देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और नॉर्मल इसका, तो नॉर्मल मुझे लगता है इस पॉइंट का नॉर्मल यही बनेगा। ये देखो ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी नॉर्मल से ऐसे। ठीक, थोड़ा मैं अच्छा नहीं बनाया, थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए मुझे। ये हो गया ऐसे, ठीक है ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। दूसरा पोल से डाल दो, तो जब पोल से डालोगे, ये हमने पोल से डाला, ये रिफ्लेक्ट होके चली आई, ठीक है।
इसको बैक ट्रैक कर लो, ये बैक ट्रैक हो गया क्योंकि इसका जो इमेज बनेगा वो बिना बैक ट्रैक के नहीं बनेगा, तो इसको बैक ट्रैक कर लिया दोनों रेज को, एक यहां से चली गई जो पैरेलल वाली है वो फोकस से चली जाएगी, ठीक है। मेरा हो सकता है कि डायग्राम थोड़ा गलत हो क्योंकि मेरे पास स्केल स्केल नहीं है, मैं ना फ्री हैंड डायग्राम खींच रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा गलत हो, लेकिन आप जो है इसको सही बनाना। और इसको बैक ट्रैक किया मैंने, तो देखो यहाँ कहीं कट कर रहा है कट, तो इसकी जो है ना इमेज यही बनेगी, ऐसी बनेगी। आप देखो इमेज कैसी बनेगी, देख लो ध्यान से, इमेज ऐसी बनेगी, ऐसी, ये इमेज बन गई, ये इमेज, ठीक है, ये इमेज क्लियर है। तो अब इसकी डिस्टेंस विस्टेंस लिख लो सब, आपको सब पता है। ये देखो ये डिस्टेंस हो गई u, यस, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई, पोल से फोकस की डिस्टेंस हो गई f, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हो गई r, और क्या भाई, और ये इमेज की डिस्टेंस हो गई यहां से, ये हो गई v, ठीक है बच्चे। तो कौन कौन सा ट्रायंगल चूज करोगे, देखो जो सिमिलर ट्रायंगल हो, पहले तो ये वाला देख लो, ये वाला ट्रायंगल ए बी पी, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश लिखते हैं ना, ए डैश बी डैश इमेज को, और ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं ए बी, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, इमेज हो गई ए डैश बी डैश। अब देखो ट्रायंगल देख लेते हैं हम लोग, तो ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है भाई, ट्रायंगल बन रहा है हमारा, इधर देखो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, पहले तो ये ले लो, ये आई हो गया, ये आर हो गया, अगर ये आर है तो ये वाला आर हो जाएगा कि नहीं बताओ, वर्टिकली अपोजिट, सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल देख लिया हमने, वर्टिकली अपोजिट सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा होगा, देखो सिमिलर ट्रायंगल हो गया ए पी बी और ए डैश पी बी डैश है, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है बच्चा जैसा दिख रहा है, तो देख यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी, चलेगा। यस सर, यहां से हम लोग क्या कर रहे थे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, वो आ रहा था ए डैश पी अपॉन ए पी, सब में यही करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा देखो एक ट्रायंगल है ए डैश पी बी डैश, और दूसरा ट्रायंगल है ए डैश एफ बी डैश, सही है क्या, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? सर हैं। पक्का? सर ए डैश, ए डैश, ए डैश पी बी डैश और दूसरा ए डैश पी बी डैश और दूसरा ए डैश एफ बी डैश सिमिलर है क्या? सिमिलर है, तो देखो 90, हाँ सर, पक्का सिमिलर है, हाँ सर, ध्यान से बताओ, ए बी आना चाहिए भाई हमारे उसमें, ए बी आना चाहिए,
ए बी कैसे आएगा, एक ट्रेंगल हो जाएगा ए बी, ये देखो इसे यहां कर दो, ये ट्रेंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल हो गया एक और ट्रेंगल देखो कौन सा दूसरा ट्रेंगल होगा, दूसरा ट्रेंगल कौन सा होगा बोलो बच्चे, अरे दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा सर, रुको देखते ध्यान से दिखाओ, ध्यान से तो ध्यान दो थोड़ा, हमें ए डैश बी अपॉन में ए बी लाना है ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ सर, अगर हम इस पे वो डाल दे नॉर्मल, किस पे सर, यहाँ पे सी सी एक बन जाएगा ना पी ए, देखो एक एक ट्रायंगल हम लोग भूल गए हैं, मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो हम लोग भूल गए हैं, भूल नहीं दिखाया नहीं है, देखो इधर तीन मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक लाइन कहाँ से जानी चाहिए, एक रे कहाँ से जानी चाहिए, एक रे पोल से, एक फोकस से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बिना इन तीनों के काम नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली देखो, वहीं से बोल रही हूँ मैं, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली वाली देखो, ये मैं डाल रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली देखो, ये रे ठीक, ये जो होगी ये तो वापस ऐसे चली जाएगी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी गिरेगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप रे डाल रहे हो तो वो वापस उसी पाथ को फॉलो करती है, रिफ्लेक्ट उसी लाइन पे हो जाएगी, कोई डेविएशन उसका नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, अगर इस एंगल को थीटा आप मानते हो तो देखो एंगल ए सी बी एंड ट्रेंगल ए डैश सी बी डैश सिमिलर है, यस सर, ठीक है। अब देखो ए सी बी और ए डैश सी बी डैश सिमिलर ट्रेंगल है, तो बच्चे देख यहां से देखो, इसे हम कर सकते हैं ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश अपॉन में कितना, ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश सी लिख सकते हैं, यस सर। अब देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों को इक्वेट करो, तो दोनों को जब इक्वेट करोगे तो यहां से आ जाएगा ए डैश पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज लिखो, ए डैश पी की वैल्यू लिखो, ए पी की वैल्यू लिखो, ए डैश सी की वैल्यू लिखो, ए सी की वैल्यू लिखो, तो चलो करते हैं। देखो यहां लिख लेते हैं ए डैश पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग प्रीवियस पे जाएं, ए डैश पी देखो क्या है, ए डैश पी, ए डैश पी क्या वी है, यस सर। अच्छा अभी ना ऐसे ऐसे लिखो, उसके जो है ना उसके डिस्टेंस में पहले लिख लो, फिर जो है फिर वैल्यूज पुट करेंगे, तो डिस्टेंस में लिखो, हाँ सर,
तो देखो ए एक एक आपका ए डैश पी है, वो तो सीधा सीधा वी है, ठीक है। दूसरा आपका एपी है, एपी आपका यू हो गया, ये भी फिक्स है। एक है एसी, चलो एसी देखते हैं। एसी क्या है बच्चे, एसी है एपी प्लस सीपी, ठीक है। तो एसी लिख लेते हैं पहले। एसी क्या हो जाएगा भाई, एसी हो जाएगा, एसी हो जाएगा आपका एपी प्लस पीसी, ठीक। और ए डैश सी क्या हो जाएगा, ए डैश सी लिखो, ए डैश सी को देखो, ए डैश सी, ए डैश सी ये है, ए डैश सी हो जाएगा आपका, ये वाला आपका है पीसी और ये आपका है ए डैश पी, तो आपका ए डैश सी निकल जाएगा, नहीं सीपी माइनस के पी माइनस ए डैश सी, ठीक है। तो सीपी माइनस या पीसी माइनस, पीसी माइनस PC माइनस ए डैश पी, ये तो है सर, ए डैश सी आएगा। हाँ ठीक लिखा, तो हाँ ए डैश पी नहीं आएगा, देखो देखो इधर, ये देखो ये हो गया PC और ये हो गया ए डैश पी, तभी तो ए डैश सी निकलेगा सर, ठीक है। यस सर, तो चलो अब ए डैश सी एसी इन दोनों की वैल्यूज रखो, तो देखो हो जाएगा ए डैश पी अपॉन एपी इज इक्वल टू एसी, ए डैश सी की वैल्यू है आपका पीसी माइनस ए डैश पी डिवाइडेड बाई एपी प्लस पीसी, ठीक है। अब ए डैश पी को इधर ले आओ, एपी प्लस पीसी को उधर ले जाओ, तो देखो ये बन के आता है आपका एपी प्लस पीसी डिवाइडेड बाई एपी इज इक्वल टू ए पी सी, PC माइनस ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी, ठीक है बच्चे। एपी एपी को खा गया, तो ये हो जाएगा वन प्लस PC अपॉन एपी इज इक्वल टू, यहां से देखो PC अपॉन ए डैश पी माइनस वन, ठीक है। इन दोनों को एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका PC upon A dash P minus PC upon AP is equal to 2, ठीक है। अब इधर देखो ये हो जाएगा 1 upon A dash P minus 1 upon AP is equal to 2 upon PC, ठीक है। अब A dash P की वैल्यू निकाल लो, देखो इधर A dash P की वैल्यू, A dash P देखो इधर, देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ए डैश पी कितना है, v yes, या माइनस v सर, पॉजिटिव का v, पॉजिटिव का v, अच्छा एपी कितना है, नेगेटिव का u माइनस v, ठीक है। और पीसी कितना है, 2 बाय r पॉजिटिव r, पॉजिटिव r, ठीक है। तो देखो अब हम लोग लिखते हैं ए डैश पी आपका पॉजिटिव है, एपी आपका नेगेटिव है, देखो ये हो जाएगा वन अपॉन, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ए डैश पी इज इक्वल टू वी पॉजिटिव के साथ, ए पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू और पी सी इज इक्वल टू आर पॉजिटिव के साथ, ठीक है। सर यू नेगेटिव कैसे है, यू नेगेटिव कैसे है, देखो तो तुम ही तो बताइयो, अभी हम थोड़ी ना बता रहे हैं, देखो एपी यही तो है, पोल से इसकी डिस्टेंस देखोगे, yes, इधर चलोगे yes, खुद बता रही है, खुद कंफ्यूज है। तो देखो ये वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू टू अपॉन आर, सर वो मैं नहीं हूँ, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू टू बाई आर, टू बाई आर मतलब वन अपॉन एफ, तो वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। सर जो वो कंफ्यूज हुई वो मैं नहीं थी, मुझे क्लियर है, कोई नहीं, ठीक है, जो भी है क्लियर करते चलना। देखो इधर ये है, ठीक है,
यस आगे चले। तो कोई भी देखो मिरर में चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो बच्चे, सारे मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला है वो वन अपॉन वी प्लस सॉरी वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होगा। क्लियर? यस सर। दूसरी चीज, जब भी हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, हम हमेशा साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे, इसके साइन कन्वेंशन के हिसाब से बात नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है आगे चले। यस सर। अब लिखो लिखो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, जल्दी जल्दी देखो लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफाई करना मतलब क्या होता है? मैग्निफाई करना ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ा के या घटा के देखना। मैग्निफाई करना बड़ा करना मतलब उसकी साइज को मैग्निफाई करना, चेंज करना, मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है? यस सर। यस सर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला छोटा छोटा है लिख लो। लीनियर मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो है भाई? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, इमेज ब्रैकेट में लिख लेना हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या ब्रैकेट में लिख लेना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, किसका रेशियो है? इमेज की साइज का ऑब्जेक्ट की साइज से रेशियो, इसको डिनोट करते हैं एम से। तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट इमेज की एच है, एच डैश है, ऑब्जेक्ट की हाइट एच है, तो मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच। अब देखो मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच हो गया, इधर देखो क्या मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता है? नहीं। कोई डायमेंशन होता है? नहीं। ये क्या है? रेशियो। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ, या इज द, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आओ मैग्निफिकेशन निकालते हैं। लिखो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट का ऑब्जेक्ट की हाइट से रेशियो मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है इस पे 2019 में, कॉनकेव मिरर के मैग्निफिकेशन दे दिया था और एक डाटा दे दिया था, फोकल लेंथ की डाटा दे दिया था, और आपसे कुछ चीजें पूछ रहा था, वो मैं न्यूमेरिकल में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। कॉनकेव मिरर ऐसा, क्वेश्चन में लिख लो
सॉरी इसमें टॉपिक में लिख लो कि कब कब निकालना चाह रहे हैं हम लोग, व्हेन रियल एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड, लिखो व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, कब देखना चाह रहे हैं, जब रियल इमेज फॉर्म हो रही है, यहां ऊपर लिख लो व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, मैग्निफिकेशन जब रियल इमेज फॉर्म हो रही है, मैग्निफिकेशन जब रियल इमेज फॉर्म हो रही है, व्हेन रियल इमेज फॉर्म, ठीक है बच्चे? यस सर, क्लियर है? अब देखो रियल इमेज कब फॉर्म होती है भाई, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तब भी रियल इमेज फॉर्म होती है, yes, sir. या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तब भी रियल इमेज फॉर्म होती है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, सॉरी फोकस के बीच में हो तब भी रियल इमेज फॉर्म होती है, होती है कि नहीं बताओ? तो yes, हम लोग कहीं कोई केस ले लेते हैं, एक हम लोग केस ले लेते हैं जब वो बिहाइंड सी है, बिहाइंड सी के लिए देख लेते हैं, बाकी आप देख लेना, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो h, मान लिया हमने, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी जिसकी हाइट कितनी है h, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बच्चे h, ठीक है? आप इसके लिए रे डायग्राम बना लो, रे डायग्राम बनाओगे, एक तो पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से, दूसरा पोल से, फटाफट खींचो फटाफट खींचो, दूसरा पोल से, मैं ये बार बार इसलिए खींच रहा हूं ताकि आप भी खींचो और आपको पता चले कि नहीं यार जो हम कर रहे हैं वो सही है, ठीक है? आप भी खींचो, और ये आपको खींचना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में खींचना पड़ेगा आपको, इससे आप बच नहीं सकते, अगर इसे आप नहीं खींचोगे तो क्वेश्चन नहीं खींच पाओगे, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, एक बात जान लेना, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको इसे खींचना पड़ेगा, ठीक है? तीसरा कहां से डालते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना, यस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ कहीं देखो यहाँ कहीं कट कर रहा था, हम लोग गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा, उसे कट कराते हुए ऐसे लेके जाते हैं हम ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही चेंज कर देते हैं थोड़ा अपने हिसाब से, आप नहीं चेंज कर पाओगे हम कर लेंगे, ठीक है? आप नहीं चेंज कर पाओगे हम कर लेंगे, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा, ये सी हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ बन गई इमेज, इमेज यहाँ बन गई, इमेज इस इमेज का नाम है ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश, ठीक है? इमेज की हाइट मान लो एच डैश हो गई, कितनी हो गई एच डैश, इमेज की हाइट कितनी हो गई एच डैश, ठीक है एच डैश। अब देखो अगर इस ट्रायंगल को देखें बच्चे, ये वाला देखो, इस ट्रायंगल को देखो, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, यस सर, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ठीक है। अच्छा इसको देखो, ये आई, तो ये आई, ये आर होगा कि नहीं होगा, यस सर, और आई और आर दोनों बराबर होते हैं, होते हैं। अब यहाँ देख लो, मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ, आप लोग थोड़ा देख लो डिस्टेंस को, ये हो गया डिस्टेंस आपका V, चलेगा? यस सर, यस सर। ये हो गया डिस्टेंस आपका F, चलेगा? यस सर। ये हो गया डिस्टेंस आपका V, सॉरी U, गलत बोल रहा था मैं, तुमने टोका नहीं ये हो गया यू, चलेगा? अब देखो
ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश सिमिलर है क्या? ए पी बी और ए डैश पी बी डैश सिमिलर है क्या? यस सर। देख लो ए पी बी और ए डैश पी बी डैश सिमिलर है भाई। ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश सिमिलर ट्रायंगल है सिमिलर? सिमिलर है बच्चे। तो देख यहाँ चूंकि हमको किससे मतलब है? मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन क्या कहता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज। ठीक, तो देखो इसमें इस ट्रायंगल में ए पी बी में देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। Yes, और ए डैश पी बी डैश में देखो तो हाइट ऑफ इमेज मिल रही है। यस सर। क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले। तो देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए पी बी में देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और हाइट ऑफ इमेज हो गया सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो ये वाला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखो ये सिमिलर है तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा आपका ए बी अपॉन ए पी बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी। चलेगा? सिमिलर ट्रायंगल है ना ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। क्या ये वाला रेशियो हमें मैग्निफिकेशन इंडिकेट कर रहा है? यस सर। भाई ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज और ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। यही तो है। और ए डैश पी आप देखो तो ए डैश पी आपका इमेज की डिस्टेंस है और ए पी आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है यहाँ जो आप मैग्निफिकेशन निकालने जा रहे हो वो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यूवी है। इन टर्म्स ऑफ यूवी यूवी के टर्म में भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तो ये इन टर्म्स ऑफ यूवी है। तो अब आ जाओ साइन कन्वेंशन चूज करते हैं, साइन कन्वेंशन लेते हैं और पुट करते हैं उसमें तो मैग्निफिकेशन हमको मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया सर। आया। ठीक है। अब ए डैश बी डैश देखो बच्चे, साइन कन्वेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ए डैश बी डैश देखो कितना है, एच डैश है, पॉजिटिव की निगेटिव? तो नेगेटिव। नेगेटिव माइनस एच डैश। ठीक। ए बी देखो पॉजिटिव एच। ए डैश पी बताओ ए डैश पी माइनस वी और ए पी बताओ माइनस यू। अब वहां वैल्यू पुट करो तो देखो मैग्निफिकेशन हो जाएगा ए डैश पी डैश मतलब माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू ए डैश पी माइनस वी अपॉन ए पी माइनस यू। तो ये माइनस वी अपॉन माइनस यू मिलके क्या हो गया? वी बाई यू। यू वी बाई यू। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी बाई यू। या आप लिख सकते हो कि एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ये तो एक्चुअल में रेशियो है ही है। ठीक है। वो बराबर किसके हो जाएगा? माइनस ऑफ वी बाई यू के।
ये वाला माइनस इसका माइनस इधर चला, इस इन दोनों को कंपेयर अगर करो तो ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, तो एच डैश बाई एच है क्या एक्चुअली में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है आपका मैग्निफिकेशन। ये हो गया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बाई यू। समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, या फिर से समझाऊ मैं? ये माइनस वी बाई यू क्यों आया, माइनस वी बाई यू क्यों आया, ये फिर से समझाऊ या समझ में आ गया? समझ में आ गया पक्का ना, देख लेना। तो मैग्निफिकेशन इसका माइनस में होता है, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, और जब प्रॉब्लम बनाओगे तब भी आप साइन कन्वेंशन रखोगे दिमाग में, कोई दिक्कत? नो से चले। अब इस पे प्रॉब्लम देख लो, तुम्हें दिखाता हूं मैं छोटा सा प्रॉब्लम, देखो जेई में पूछा गया है उसको मैं दिखा देता हूँ, जल्दी से देख लो ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है? 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई, कहाँ गया भैया? हाँ लिख लो क्वेश्चन। ए कॉनकेव मिरर फॉर फेस व्यूइंग, चेहरा देखने के लिए, ए कॉनकेव मिरर फॉर फेस व्यूइंग has focal length of 0.4 meter, has focal length of 0.4 meter, has focal length of 0.4 meter, ठीक है, 0.4 meter, the distance at which the distance at which the distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with a magnification of 5 is, magnification 5 keh raha hai, itna पांच। क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं आप लोगों ने, बोलो? सर लिख लिया है। अच्छा क्वेश्चन लिख लिया तो उसको पढ़ो, कह रहा है कि फोकल लेंथ 0.4 दिया हुआ है। यस सर, 0.4 मीटर, और कह रहा है कि जो वो अपना फेस देखना चाह रहा है वो फेस अपराइट होना चाहिए। अपराइट मतलब ऊपर की तरफ। बिल्कुल, अभी जो आपने फेस बनाया था किसी ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर के लिए, वो अपराइट था या डाउनवर्ड था? डाउनवर्ड, उल्टा था। अभी आपको सीधा ही बनाना है और पांच गुना बड़ा बनाना है, पांच गुना बड़ा बनाना है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए कि इमेज उसकी पांच गुना बड़ी बने और उसी 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 जो है ना उसी तरफ बने। कॉनकेव मिरर के सर एफ और पी के बीच में। वाह शाबाश, यही एक केस है, इसके अलावा कोई केस है ही नहीं।
क्योंकि और सारे केस में वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। नहीं आई बात समझ? अनन्या, दिव्यांशु, यस सर, कोमल, यस सर, सब सो गए? नो सर। बच्चे, मैंने क्वेश्चन किया एक आईटी 2019 में पूछा गया है, ये देख लेना सर। ऑप्शन सी देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए पहले, ये मैग्निफिकेशन कह रहा है कि मैग्निफाई हो और सेम साइड बने। यस सर। अपराइट बने, पांच गुना बड़ा बने। आप जो इन्फिनिटी से लेके फोकस से पहले तक, मतलब फोकस से पहले तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लोगे कॉनकेव मिरर के लिए, हमेशा उसका इमेज इन्वर्टेड होगा। यस सर। तो यहाँ इन्वर्टेड की तो बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पांच केस तो निकाल दो। यस सर। छठा केस कौन सा बचता है? लास्ट वाला, जिसमें इरेक्टेड इमेज बनती है। जिसमें इरेक्टेड बनती है, और इरेक्टेड में आप बना के देखो वो बड़ी भी बनती है। यस सर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बनती है कि नहीं? यस सर। तो क्या ये याद आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। क्योंकि बार बार तो आप जो है दिमाग लगाओगे नहीं इस पे। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, उसकी इमेज कहीं पे भी बने, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा यही रहता है कॉनकेव के लिए, माइनस ऑफ वी बाई यू। यस सर। माइनस ऑफ वी बाई यू यही रहता है। कोई तकलीफ? नो सर। पक्का? यस सर। तो मैग्निफिकेशन कह रहा है कि वो पांच गुना हो गया। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ तो फोकल लेंथ दिया है। हाँ। और यहाँ v by u का रेशियो दिया है। यस सर। तो हम लोग ना क्या कर सकते हैं बच्चे, कि चूंकि v by u का रेशियो यहाँ दिया हुआ है और हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है मिरर का बताओ? मिरर का यहाँ देखो, m की वैल्यू दी हुई है और यहाँ हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि हम अपना फेस कहाँ पे रखें, यही तो पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इन ऑर्डर किसकी डिस्टेंस पूछ रहा है? द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फॉर योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपवर्ड विद अ मैग्निफिकेशन ऑफ 5 इज। अब ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर। हाँ, अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ऑप्शन इलिमिनेट भी करना चाहो तो कर सकते हो बड़े आराम से। यस सर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा सर? ये 16 वाले, 1.6 वाला। यस सर। ये ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया तो उसकी इमेज कभी क्या नहीं बन सकती, कभी उसकी इमेज बड़ी नहीं बन सकती, बड़ी बनी नहीं सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी इमेज इरेक्टेड हो ही नहीं सकती। यस सर। इरेक्टेड नहीं हो सकती, इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये गलत है। तो आप बचे तीन ऑप्शन आपके पास, 0.16, 0.32 और 0.24। क्लियर है? yes, अब तीन ऑप्शन में से ढूंढते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो देखो, इधर देखो, जल्दी से अगर स्केच, फ्री स्केच खींच सको तो खींच लो। इधर देखो, ये हो गया फ्री स्केच, ये हो गया पोल हमारा, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फ्री स्केच अगर हम खींच रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ हो गया, यही होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है? Yes, ये ऑब्जेक्ट कहीं यही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ हो गया। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया। अच्छा देखो, और इमेज कहाँ बनेगी इसकी?
जल्दी से जल्दी फटाफट देख लो, तो इमेज कहीं इधर बन जाएगी। एक तो डाल दो इस पे, क्या नाम है, ऐसे डाल दो, पैरेलल डाल दो, पैरेलल एक डाल दोगे तो पैरेलल, तो पैरेलल हो गई तो फोकस से चली जाएगी, इधर कहीं मिलेगी नहीं, इधर कहीं मिलेगी नहीं, इनको बढ़ा दो, तो इनको बढ़ा दो, तो ये बन गई इमेज, यहाँ बन गई इमेज। ठीक है सर, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि यू वी और एफ की वैल्यूज पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी आपको लेना है, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी ये भी आपको रखना जरूरी है। ठीक है, आप देखो यहाँ, अगर आप देखो तो ये हो गया एफ और ये हो गया आपका यू, ये आपका हो गया यू और ये आपका हो गया वी। अब मेरी बात समझना, कभी भी जो वैल्यू आपको निकालनी है, कभी भी जो वैल्यू आपको निकालनी है उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखते हैं, लिखो इस बात को। यस सर। जो अननोन वैल्यूज है उसका साइन कन्वेंशन हम कैसे रख सकते हैं, वो तो अननोन है, तो लिख लेना इस बात को कि कभी भी हम उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे जो अननोन है, जिसको हमें निकालना है। यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, और दूसरा इक्वेशन है f इज सॉरी दूसरा इक्वेशन है आपका, एक आपका मिरर का जो इक्वेशन है वो है 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, है कि नहीं है? यस सर। अब यहां से देखो, चूंकि मैग्निफिकेशन में v बाय u का रेशियो दिया हुआ है, तो यहां क्या करो, v बाय u का रेशियो निकाल लो यहां से, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ v बाय u का रेशियो निकाल लो, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, तो v बाय u का रेशियो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ निकालो, और यहां v बाय u का रेशियो दिया हुआ 5, तो ये देखो इससे, तो 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u, तो v को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड u। क्यों v को रिप्लेस करा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमें फिर फोकल लेंथ हमको पता है, u हमको मिल जाएगा। तो देखो इधर देखो, यहां से v को रिप्लेस करते हैं, तो v को रिप्लेस करें तो देखो ये हो जाएगा इस इक्वेशन से, यहां से देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बच्चे देख, 1 अपॉन v इज इक्वल टू हो गया u माइनस f डिवाइडेड बाई एफ यू, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा एफ यू अपॉन u माइनस f, होगा? यस सर। ठीक है, अब इसकी v की वैल्यू इसमें रख दो, तो देखो ये हो जाएगा आपका, यहां देखो, यहां देखो इसमें रख दिया मैंने, यहां देखो अब इसमें रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v की जगह रख दो एफ यू अपॉन u माइनस f इंटू u, u u को खा गया, तो 5 इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाय u माइनस f, चलेगा? बोलो। यस सर। अच्छा, अब देखो आपको निकालना है u, क्या निकालना है, u और f, देखो इधर f f f गिवन है कि नहीं है? सर गिवन है। अच्छा, f यहाँ इस जो है इस क्वेश्चन के लिए f अगर साइन कन्वेंशन रखेंगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? यस सर। पक्का? यस सर पक्का। तो यहाँ माइनस f, मतलब f की जगह आप रखोगे 0.4 और वो भी माइनस के साथ। यस सर। तो रख लो, तो ये हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन को मैं अगले वाले पेज पे ले चल रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं अगले वाले पेज पे रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 या माइनस 5 कर लो इसे, तो माइनस 5 इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस f, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस f, तो माइनस 5 इज इक्वल टू, चूंकि f क्या है, नेगेटिव है,
यस सर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई यू प्लस पॉइंट फोर, चलेगा? यस सर। एफ माइनस पॉइंट फोर होगा, क्यू माइनस पॉइंट फोर होगा, समझ में आया? लिख लेना अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। यू का साइन कन्वेंशन हम क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि अननोन, क्योंकि अननोन है। तो देखो ये हो गया माइनस पॉइंट फोर, यहाँ रख दिया हमने। तो अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब फाइव इज इक्वल टू पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई यू प्लस पॉइंट फोर। यस सर। तो फाइव यू प्लस पांच चौका बीस, दो इज इक्वल टू पॉइंट फोर, चलेगा? यस सर। तो फाइव यू इज इक्वल टू हो गया पॉइंट थ्री टू आ जाएगा सर, माइनस वन पॉइंट सिक्स, ठीक? यस सर। देखो एक ऑप्शन 1.6 है कि नहीं बताओ सर? है, ठीक। अगर अगर कुछ भी गलती हुआ तो एक ऑप्शन मिलेगा जरूर। यस सर, ठीक। अब देखो यू की वैल्यू क्या आ गई सर? 0.032। अरे जीरो जीरो माइनस पॉइंट थ्री टू। यस सर, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो मिरर के सामने बन रही है इमेज, मिरर मतलब के सामने है। यस सर। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। इसलिए जो भी आपको ऑप्शन, जो भी आपको वैल्यूज नहीं पता है, नहीं गिवन है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, उस वैल्यूज की आप साइन कन्वेंशन रखना ही मत। यस सर, ठीक है। जो आपको पता होगा उसका साइन कन्वेंशन रखना, जो नहीं पता है उसका साइन कन्वेंशन मत रखना, ठीक? यस सर। अब देखो इसी में बच्चा कुछ ये हो गया यू इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइंट थ्री टू मीटर। अच्छा अब देखो कुछ बच्चे क्या होंगे, अगर एफ की वैल्यू पॉइंट फोर डायरेक्ट रख देंगे तब उसमें दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, देख लेना करके। करूं? देखो दिखाता हूं मैं आपको। यहां देखो एफ का साइन कन्वेंशन मत रखो, सिर्फ पॉइंट फोर रख दो। यस सर। देखो क्या आंसर आता है, एफ का साइन कन्वेंशन नहीं रख रहा हूं मैं ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई यू माइनस पॉइंट फोर, हो जाएगा माइनस फाइव यू प्लस टू इज इक्वल टू पॉइंट फोर, ठीक है। यू की वैल्यू कितनी आ गई? पॉइंट थ्री टू, पॉजिटिव के साथ आई, क्या मानोगे इसे? पॉइंट थ्री टू पॉजिटिव के साथ आई, ये तो आई, ठीक है। बट सर, हाँ सर, इसमें ना क्वेश्चन में तो जो ऑप्शन गिवन है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का तो कुछ है ही नहीं। मेरी बात सुनो, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। यस सर, ये पूरा एग्जैक्टली ये आया कि इंडिकेट ये कर रहा है कि जो 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 ऑब्जेक्ट है ना वो मिरर के सामने है। Yes, sir. ये इंडिकेट कर रहा है। अगर बच्चा इसमें थोड़ा सा गलती और कर दे, क्या कर दे कि अगर m इज इक्वल टू v बाई यू लिख दे, बस क्या लिख दे? v बाई यू, तब भी ऑप्शन एक और आ जाएगा, देख लेना। v की वैल्यू यहां से देखो, वन अपॉन v इज इक्वल टू आया था एफ यू अपॉन एफ माइनस यू, सॉरी ये तो आया था, एफ यू अपॉन यू माइनस के एफ, F माइनस यू अपॉन एफ यू आया था ना? यस सर। F माइनस यू अपॉन एफ यू आया था, मतलब V इज इक्वल टू एफ यू अपॉन एफ। नो सर, U माइनस के F अपॉन में एफ यू। तो देखो F U अपॉन F माइनस U इंटू U हो जाएगा, U U कट गया, तो ये 5 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 माइनस U, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 यू इज इक्वल टू 0.4, तब भी तो 0.32 ही आ रहा है। यस सर, तब भी तो
तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन है? है नहीं, एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं, एक्सेप्शंस 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 आपको साइन कन्वेंशन रखना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसमें नहीं मिल रहा क्योंकि इससे हमें गलत हो सकता है, इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यही माइनस और प्लस दोनों दिया होता तब क्या करते? माइनस तो सिर्फ 0.32 दे दिया। अगर माइनस 0.32 और प्लस 0.32 देता तब क्या करते? माइनस का करते। समझ में आया? यस सर। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था मेरे, ठीक है? बाकी ऐसे ही कॉनकेव के कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? कॉनकेव मिरर में जो पानी रख दिया उसके बाद पूछ रहा है आपसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जब पढ़ाएंगे तब हम उसको बताएंगे, ठीक है? और मैग्निफिकेशन खत्म हुआ, आगे बात करते हैं हम लोग किसकी। मैग्निफिकेशन हुआ खत्म, आगे हम लोग बात करते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, बनाओ आप खुद से और मुझे बताओ जल्दी से। लिखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यस सर, प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज, प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, यस सर, विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस सर, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, मैग्निफिकेशन हमेशा होता है माइनस डी वाई यू, लिख लो इस बात को, हम आप कराने नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, ठीक है? चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, हमेशा के लिए दोनों केस के लिए जो जो आपकी मैग्निफिकेशन का इक्वेशन होगा या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस ऑफ वी बाई यू। दोनों केस के लिए मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/d + 1/u = 1/f, ठीक है? दोनों केस के लिए चीजें क्या याद करनी है वो आप देख लो। इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, दो ही इमेज बनती है, या तो फोकस पे बनेगी या तो फोकस और पोल के बीच में बनेगी, कोई तीसरी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में नहीं बनती। फोकस और पोल के बीच में तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में होगा। यस सर। और इमेज हमेशा छोटा बनती है, कभी बड़ा नहीं बनती है। इमेज हमेशा छोटी बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। इन सब चीजों को लिख लो और याद कर लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? यस सर। चलो, तो क्या क्या दिया हुआ है जल्दी जल्दी देखो और फटाफट ना इसको बना के मुझे बताओ कि ये आंसर आ रहा है। यू की वैल्यू कितनी आ रही है वो मुझे बता दो। ओके सर। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या गिवेन है। देखो, फोकल लेंथ गिवेन है क्या? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा क्योंकि उस साइड होगा ना? यस सर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट का हाफ हो गई, सॉरी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ हो गई, मतलब जो मैग्निफिकेशन है क्या वो 1/2 हो गया? यस सर। हाँ, 1/2 मैग्निफिकेशन हो गया 1/2, ठीक है? यो फाइंड करना है ना, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। V को हटाओ, U निकालना है ना, तो V को हटाओ,
v को रिप्लेस करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, वन अपॉन v इज इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू। 20 सेंटीमीटर है बच्चा, माइनस 20 सेंटीमीटर। गुड, माइनस 20 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू हो गया एफ यू अपॉन एफ माइनस यू। ये है मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। v को रिप्लेस कर दो u में तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, अगर याद करना चाहो तो याद कर लेना, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ वो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाई u माइनस, सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ये मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। अगर ये फॉर्मूला भी याद करना चाहो याद कर लो, नहीं तो कन्वर्ट करना चाहो, आप कन्वर्ट करने में माहिर हो, कन्वर्ट कर लेना दिमाग लगा के। तो v की वैल्यू यहाँ रखोगे, ये देखो इस इक्वेशन में अगर रखोगे आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा वन अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ अपॉन एफ माइनस यू, चलेगा? ठीक है, एफ है आपका पॉजिटिव 20, तो पॉजिटिव 20 रखो इसमें, ये हो जाएगा वन बाई टू इज इक्वल टू प्लस 20, मतलब ये हो जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 माइनस यू। ट्वेंटी माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40। ये तो गलत कर रहा हूँ क्या? क्या है सर? मेरा तो माइनस 10 सेंटीमीटर आ रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कितना आ रहा है? माइनस 10 सेंटीमीटर। माइनस 10 सेंटीमीटर। बट सर मैंने v की टर्म में नहीं किया, मैंने u की टर्म में करा। हाँ ठीक है, u के टर्म में करना है। u के ही टर्म में करना है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे v ले रखा है ना, v इज इक्वल टू f के ऊपर में f माइनस के u, मैंने u ले लिया उसको, u इज इक्वल टू F v upon u v minus k। v तो है ही नहीं बच्चे। v तो है ही नहीं ना। अरे नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ। जैसे आपने v को कैंसिल आउट किया ना। मैंने कैंसिल कर लिया, यू को करा उसमें कैंसिल। अरे यार मैं यहाँ गलत लिख रहा हूँ ना, देखो सर वही चीज। अरे मैं यहाँ गलत लिख रहा हूँ भाई, तुम ये इसीलिए मैं गलत लिखता हूँ ताकि तुम बताओ कि सही कहाँ है, बता रही नहीं हो। तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ यू। यस सर। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं इसीलिए गलत लिखता हूँ ताकि आप ध्यान दो, उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे। एफ यू मैं भी यहाँ चक्कर खा गया मैंने यार, अगर मैं इसे इधर मल्टीप्लाई कर दू तो ये हो जाएगा 20 माइनस यू इज इक्वल टू माइनस 40, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा 60, जबकि 60 हो ही नहीं सकता। हाफ पे बनना है तो यस सर। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप उसको देखते रहो, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। ये देखो यहां f माइनस यू नहीं होगा, u माइनस f होगा, ये फॉर्मूला गलत है मेरे बच्चों, इसे सुधार लेना। u माइनस एफ है, ये u माइनस है, ठीक है, माइनस ऑफ एफ अपन u माइनस एफ। तो अब देखो यहाँ रखोगे m है 1 बाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ अपॉन यू माइनस एफ,
साइन कन्वेंशन रख लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ u, f पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई u माइनस 20, इसे इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा u माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40 होगा, u माइनस 20 इधर चला गया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 40, तो u कितना आया माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, मिरर के सामने, और मिरर के सामने ही होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू हमेशा ही निगेटिव आएगी, इस बात को भी लिख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किसके सामने होगा, मिरर, मिरर के पीछे खड़े होके कभी अपना चेहरा देखे हो क्या? नहीं सर हमेशा मिरर के सामने ही रहेगा, यस सर, ठीक है, तो यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव यू हमेशा, एक और बना लो छोटा सा, यस सर, चलो देखो, लिखो एन ऑब्जेक्ट पॉइंट 0.04 मीटर हाई, 0.04 मीटर हाई, यस सर, इज प्लेस्ड at a distance of 0.8 meter yes sir at a distance of 0.8 meter from a concave mirror of radius of curvature from a concave mirror of radius of curvature 0.4 meter find position nature size of the image formed position nature size of the image formed concave mirror hai साइन कन्वेंशन अगर रखना चाहो तो यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, नेगेटिव, आर सर आर भी नेगेटिव आएगा, गुड, एच एच पॉजिटिव, गुड, अच्छा ये बताओ यस सर कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मिरर के सामने है, मिरर के सामने लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले है ना, 0.8 मीटर है वो, यस सर, तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में, गुड, इसका मतलब है पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो पोजीशन तो बता ही सकते हो, यस सर, नहीं अच्छा नेचर बता सकते हो क्या, सर नेचर सर इसका आएगा वर्चुअल और इरेक्टेड, वर्चुअल, हाँ सर, कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब एफ और पी के बीच में हो, अदरवाइज नहीं बनती है, तो सर यहाँ पे एफ और पी के बीच में ही तो बनती है, कहाँ एफ और पी के बीच में बनेगी,
तुम कह रही हो कि बच्चे ये सी और एफ के बीच में बनेगा, क्योंकि बिहाइंड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में। अरे यार है? कैसी इमेज बनेगी सर? रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और क्या बनेगी? छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी? सर छोटी। छोटी डिमिनिश्ड। छोटी बनेगी ना सर? 0.25। क्या 0.25? क्या निकाला ये इमेज की डिस्टेंस? इमेज की डिस्टेंस 0.25 आ रहा है। माइनस का 0.25। माइनस का 0.25। हाँ लग तो रहा है ऐसा कुछ। देख लेता हूँ मैं आंसर, फिर बताता हूँ। कितना आ रहा है बच्चे? 0.25। मुस्कान फाइव। यस सर। कितना आ रहा है? नहीं आया। नहीं आया? नहीं। देखो इधर, देखते हैं बच्चे। भाई पोजीशन बताना है, मतलब इमेज की डिस्टेंस बतानी। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इमेज की पोल से। अच्छा इमेज की जो डिस्टेंस होगी, चूंकि रियल बनना है तो वो शीशे के सामने होगा कि पीछे? सामने। ठीक, सामने मतलब नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव? नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। चलो तो देखो फॉर्मूला रखते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू निकालनी है हमको, जिसकी निकालनी है उसको हम उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखते कि रखते हैं? नहीं रखते। नहीं रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v, क्योंकि हमको नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 1/v। क्या हो रहा है? 1/v = 1/f - 1/u। सर हाइट ऑफ द इमेज आ रही है 0.001। देखते हैं सर। v = -26.33 cm हो गए। गुड। अनन्या कैसे कलम? देखो f की वैल्यू हो जाएगी r/2। यस सर। यस सर। आर भी तो निगेटिव होगा, सॉरी f भी तो निगेटिव होगा। यस सर। इसका मतलब ये f कितना हो जाएगा? f हो जाएगा आपका -0.2, होगा कि नहीं बताओ? यस सर होगा। तो ये हो जाएगा 1/-0.2। u आपका माइनस ही है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/0.8। यस सर। इसको आप लिख सकते हो कितना? 10/2 माइनस के साथ। यस सर। सर ऐसे क्या मतलब? आप लिख सकते हो 10/8। Yes, दोनों का एलसीएम ले लो, 8 आया। हाँ। ये हो जाएगा -40। होगा? Yes, sir. और ये हो जाएगा प्लस का 10। ये हो जाएगा आपका -30/8। Yes, sir. तो v कितना होगा? v - 30/8 आया, तो v कितना होगा? -8/30 मीटर। नहीं आया सर। आ गया। ठीक है 8/30 मीटर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो,
तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 0.267। ठीक है, अरे तीन दुना छह बचा बीस, तीन छक अठारह बटा फिर बीस और तीन सत इक्कीस, मतलब आएगा माइनस 0.266666 करके। तो आप इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ 0.267। तो पोजीशन आपको पता चल गई, ये पोजीशन मतलब इमेज की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, डिस्टेंस नेचर आप डायरेक्टली लिख सकते हो रियल, आप चूंकि मिरर के सामने ही बन रहा है ना, अरे बैकवर्ड बनता तब तो पॉजिटिव होता ये, अगर ये तो बैकवर्ड बनता कि नहीं बनता, बनता है, तो मिरर के सामने ही बन रहा है इसलिए निगेटिव आया, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी देखो तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से V अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि वो मिरर के सामने ही बन रहा है। यस सर। तो नेचर हो गया आपका रियल, रियल। साइज बोलो, साइज के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लो, माइनस वन बाई थ्री होता है माइनस वी बाई यू, माइनस वन माइनस वन बाई थ्री आ रही है, तो माइनस वी की वैल्यू है माइनस 0.267, मतलब वी की वैल्यू आपका इमेज आ रही है सर 0.01, वी की वैल्यू है सीधा सीधा आप लिख लो माइनस ऑफ 8/30 और यू आपका है 0.8, Yes, तो वो भी माइनस 0.8 होगा ना, इनटू माइनस 0.8, ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस लेकिन बाहर आया माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 30 इनटू 0.8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 8, 8 8 को खा गया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/3, माइनस वन बाई थ्री क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन या सीधा उल्टा, उल्टा। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है क्या, नहीं यस सर 0.04 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसको आप एच डैश बाई एच लिख सकते हो ना, तो एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3, एच एच डैश इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 0.04 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 3, तो एच डैश आ गया माइनस ऑफ 0.04, मतलब ये हो जाएगा 0.0133। सर दो पॉइंट तक भी तो निकाल सकते हैं ना, चलो निकाल लिया देखो यही है सर, यही आ रही हाइट, ठीक है यस सर, छोटा बना कि बड़ा, छोटा सर छोटा, डिमिनिश्ड, माइनस आया कि प्लस, नेगेटिव उल्टा, ठीक इन्वर्टेड, आंसर सब इसी में है, आप उसी से क्वेश्चन करो और उसी अपने आप से क्वेश्चन करो और आंसर बताते जाओ, यस सर। तो आपको आज क्या सिखाया मैंने कि क्वेश्चन में कभी भी जो अननोन वैल्यूज है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, नहीं लेना है, जो नोन वैल्यूज है उसका साइन कन्वेंशन लेना, यस सर, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। बाकी मैंने ये भी सिखाया आपको कि मिरर कॉनकेव है कन्वेक्स है, कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, कब बड़ी बनेगी कब छोटी बनेगी, ये कॉमन सेंस की बात है, ये याद हो रखने की बात है, आप याद रखोगे कॉमन सेंस लगाओगे तो आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो फिर उसी में उलझ के रह जाओगे। यस सर। तो मेरे बच्चों ये गुजारिश है आपसे, आज आप जाके एनसीईआरटी के कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनाना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे और मैग्निफिकेशन पे।
मिरर आज खत्म हुआ, कल हम लोग रिफ्रेक्शन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रेक्शन पढ़ते ही हम उसके बाद लेंस में घुस जाएंगे। ओके सर।